हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप वेरी वेल। आई एम पारुल एंड वेलकम टू वीएमए फैमिली। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कैसे राइट करते हैं कर्सिव पैटर्न में वो बताऊंगी। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कर्सिव पैटर्न में कैसे राइट करते हैं वो बताऊंगी। ओके, उसके पहले आप लोग समझ लीजिए डी फॉर होता क्या है। एक तो डी फॉर डॉग होता है एंड सेकेंड डी फॉर डक होता है। डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डक। ओके, कैसे राइट करते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। कैपिटल डी आपका ये होता है, ये 1 2 3 थ्री लाइंस में होता है। ओके, और स्मॉल डी 1 2 3 ये भी थ्री लाइंस में होता है। बट कैसे राइट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो सब जानने के लिए आपको कहाँ देखना होगा? नोटबुक में देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। लुक केयरफुली, ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे राइट करते हैं कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। देखिए 1 2 3 थर्ड लाइन तक आप लोग लाइंस काउंट करेंगे। फर्स्ट लाइन रेड लाइन से आपको थर्ड लाइन ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आपको पेंसिल ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाना है, ब्लू में ऐसे टच करना है। कर्व लाइन लेके जाते हुए इसको ऐसे लेके आना है, यहाँ पर स्टॉप कर देना है। ये आपका होता है कैपिटल डी। लुक अगेन, फर्स्ट लाइन रेड लाइन से आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन लेकर जाना है ब्लू तक, टर्न करना है, बैक आना है, ब्लू में टच करना है और इसको लेके जाते हुए यहाँ पर ऐसे ये क्या करेंगे, डी राइट कर देंगे। ओके, ये होता कैपिटल डी। नाउ अब आप लोग देखेंगे स्मॉल डी कैसे राइट होता है। 1 2 3 इसमें भी थर्ड लाइन तक लाइंस काउंट करते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, आपको एक स्लैंटिंग लाइन ब्लू से ब्लू तक ऐसे लेकर जाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा टर्न करना है, टर्न करते हुए ऐसे बैक आना है और सी की तरह राइट करते हुए इसमें टच कर देना है। ओके, फिर पेंसिल नहीं उठाना है, फिर इसी को ऊपर लिए चले जाना है। कहाँ तक, रेड तक। फिर उसी के लाइन के ऊपर ऊपर ऐसे आते हुए स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी टेल बना देंगे। ये आपका हो जाएगा स्मॉल डी इन कर्सिव पैटर्न। लुक अगेन, 1 2 3 थर्ड लाइन पे पेंसिल रखेंगे, ब्लू से ब्लू तक स्टैंडिंग लाइन लेकर जाएंगे, आगे की तरफ टर्न करेंगे ऐसे हल्का सा, फिर बैक आएंगे, फिर क्या करेंगे, ब्लू लाइन में टच करते हुए सर्कल कंप्लीट करते हुए ऊपर जाएंगे। कहाँ तक, रेड तक। ओके, फिर इसी के ऊपर स्टैंडिंग लाइन लाते हुए ऐसे ब्लू में टच करते हुए टेल बना देंगे। ये होता है स्मॉल डी। दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। लुक अगेन, फिर से आप लोग देखेंगे 1 2 3 रेड से ब्लू तक स्टैंडिंग लाइन, टर्न करेंगे, बैक आएंगे, ब्लू में टच करेंगे, कर्व लाइन लेके जाएंगे और यहाँ तक आप लोग ऐसे लाते हुए इसको क्या राइट करेंगे, क्या, कैपिटल डी। ओके, स्मॉल डी करने के लिए 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ब्लू से ब्लू तक जाना है स्लैंटिंग लाइन लेते हुए, टर्न करके आना है, बैक जाना है, ब्लू में टच करते हुए इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक तो जाएंगे, रेड तक। फिर सी की लाइन के ऊपर ऊपर ऐसे आते हुए ब्लू में टच करते हुए ऐसे इसकी टेल बना देंगे। ये आपका हो जाएगा स्मॉल डी। दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। ओके, नाउ लुक एट हेयर, दिस इज द वर्कशीट। ओके, यहाँ पर आपका कैपिटल डी है, इसको पहले ट्रेस करेंगे और इसमें नीचे नीचे देखिए 1 2 3 4 फोर लाइंस दी हैं। इसको काउंट करते हुए थर्ड लाइन से जैसे हमने बताया है ऐसे ही राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड स्मॉल डी की भी आपकी
वर्कशीट दी हुई है, ये आप लोग इसमें पहले ट्रेस करेंगे, फिर नीचे तक आप लोग इसमें राइट करेंगे। एंड यहाँ पर कैपिटल स्मॉल दोनों कैसे राइट करते हैं एक साथ देख लीजिए, पास पास राइट है और आप लोग इसको राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे नीचे तक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।